हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड डूइंग योर स्टडीज रेगुलरली। टुडे वी आर डूइंग सेवेंथ लेक्चर ऑफ योर सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। द एग्जाम्पल्स विच आई ट्राई टू कवर is from 20th to 26th. Okay. First of all, I will attempt example 21. Okay. Example 21 is an important example. The result we will prove in this example will becomes just like a formula for proving another examples. Okay, so before doing this example, first of all I have written this statement which I am calling trick for doing these examples. What is written here in trick? Whenever term of cot is present with term of either cosine or sine, मतलब जब भी आप आपके क्वेश्चन में cot की टर्म पाए और cot के साथ साथ या तो cosine की टर्म हो या sine की टर्म हो, then we apply cotangent formula in a spherical triangle. और cotangent formula क्या होता है ये मैं आपको पहले अच्छी तरह से इसका प्रूफ भी बता चुका हूँ और इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, जिसके अंदर कि हम किसी स्फेरिकल ट्रायंगल में फोर कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स लेते हैं। ये इसकी विशेष पहचान है, फोर कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट, जिसमें से दो तो होती हैं साइड और दो होते हैं एंगल्स। इनमें से एक एंगल और एक साइड को हम मानते हैं इंटरनल और दूसरे एंगल और साइड को हम मानते हैं आउटर या अदर। ठीक है, तो अभी इस जब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फिर से हम इसको एक बार याद कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है साहब कि इफ AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल ABC। तो देखिए अब इधर यहां आपको फिगर दिख रहा होगा, इधर फिगर में देखिए एक स्फेरिकल ट्रायंगल है ABC। स्फेरिकल ट्रायंगल का मतलब ABC तीनों पॉइंट्स किसी स्फीयर की सरफेस पर हैं और ये जो A से B तक का आर्क है, लेट अस हाईलाइट फर्स्ट द फिगर, ये जो तीनों आर्क हैं जो ए से बी तक जा रहे हैं, बी से सी तक जा रहे हैं और सी से ए तक जा रहे हैं, ये तीनों आर्क भी उसी स्फीयर की सरफेस पे लाई कर रहे हैं। और किस तरह से इन आर्क्स का निर्माण हुआ है कि ए से बी तक ए और बी को हमने बाई यूनिक ग्रिड सर्किल जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है उससे मिलाया हुआ है। तो ये ए बी जो है उस यूनिक ग्रिड सर्किल का पार्ट है या आर्क है। सिमिलरली सिमिलर स्टेटमेंट फॉर BC एंड CA। ये तो मूलभूत एक परिभाषा है स्फेरिकल ट्राइंगल की। अब इस स्फेरिकल ट्राइंगल में ये जो मेरा एंगल A है, जो कि वास्तव में क्या होता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द टू आर्क्स AB एंड AC। ठीक है, तो बार बार हम टेंजेंट्स बना के शो नहीं करेंगे, आप इसी को एंगल A विजुअलाइज कीजिए, ये एंगल A है। और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है, पहले हम लाइन वर्ड बोल रहे हैं समझना, आप इमेजिन कीजिए कि यहां पर दो टेंजेंट्स बनी हुई हैं और उन टेंजेंट्स के बीच में एक एंगल बन रहा है, वो एंगल ए है। और फिर उस एंगल का हमने जो लाइंस के बीच में बन रहा है उस एंगल की बात कर रहा हूं, उसका हमने एक इंटरनल बाइसेक्टर बनाया, अंतः विभाजक जो होता है, अंतः समद्विभाजक। फिर ये जो लाइन बनी है साहब, ये लाइन यहां शो नहीं हो रही है, ये तो आर्क है, ये अब ये बाद में बनेगा। तो पहले उस लाइन जो हमारे पास एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है इंटरनल बाइसेक्टर, हमने ये एडी आर्क इस प्रकार बनाया कि ये आर्क उस लाइन को टच करता हुआ, या एक तरह से वो जो इंटरनल बाइसेक्टर लाइन है वो इस आर्क की टेंजेंट है। तो ये एडी आर्क हमने इस तरह से बनाया कि ये उसको टच करता हुआ सामने बीसी को मिल रहा है। और बिल्कुल इजी वे में यूं कह सकते हैं कि भाई AD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द
एंगल ए, ठीक है, और ये बाइसेक्टर जाकर सामने वाली साइड बीसी को डी पे मिलता है, तो ये दोनों एंगल हाफ ऑफ हो जाएंगे इक्वल। तब आपको प्रूव क्या करना है, देखिए अब ऊपर रेड रेड जो आपके इंक में दिख रहा है, ये जिसको मैंने स्टार मार्क कर रखा है, इट सेज कॉट ऑफ एडी, एडी मतलब इंटरनल बाइसेक्टर, इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द कॉट बी प्लस कॉट सी। बी एंड सी आर स्मॉल है, इसका मतलब ये साइड है। बी कौन सी साइड है, देखिए हम यहां मार्क करी हुई है एसी, और ए बी कौन सी साइड है, सी। इसका मतलब ये जो एडी जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उस एंगल को बनाने वाले जो दो आर्क्स हैं, वो आर्क्स बी और सी यहां पर आएंगे कॉट के अंदर ही। तो इन टोटल देयर आर थ्री टर्म्स अब तक जो कॉट में है, और जो चौथी टर्म है वो है इनटू सेक ऑफ द एंगल, जिस एंगल को बाइसेक्ट किया गया उस एंगल का हाफ, ठीक है। तो ये लाइन चूंकि आपको डायरेक्ट याद भी रखनी पड़ेगी एज ए फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको अभी इसके बारे में ऐसे समझाया है, और इस क्वेश्चन के लास्ट में हम इसको और इसको एक मेमोराइज करने का मेथड लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को हम लिखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हाउ वी आर डूइंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम कह रहे हैं कि सब एडी कौन है, एडी आपका इंटरनल बाइसेक्टर एंगल ए का, लाइन पढ़ते जाइए आप सॉल्यूशन की। अब हमने एंगल एडीबी, एडीबी एंगल दिख रहा है आपको, देखिए आप ये वाला एंगल एडीबी, ये दो एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट एंगल है, तो इनमें से किसी भी एक को हमको थीटा मानना है। जैसे मैंने इसको थीटा माना तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, फिर ये दोनों ए बाय टू एंगल हैं जो मैंने लिखी दिए। अब मेन बात आती है कि चूंकि इस क्वेश्चन में जो मुझे लाइन प्रूव करनी थी, इसमें कॉट के साथ साथ सेक है, सेक मतलब कॉस, सेक इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो जिस क्वेश्चन में कॉट और कॉस मौजूद है वहां पर हमारी ट्रिक कहती है कि कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहां पर ये जो मेरे पास दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, दो मतलब कौन से, जो इंटरनल बाइसेक्टर की वजह से दो बने, एक तो एबीडी बना एक एसीडी बना, इन दोनों के अंदर मैं कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो अब यहां पर एक बात देखिए समझने की है कि जब आप बुक्स में देखोगे ना, यहां लिखा है कि इन स्फेरिकल ट्रायंगल एबीडी अप्लाइंग कॉट फॉर्मूला या कोटेंजेंट फॉर्मूला, लेकिन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वे। जब भी आप कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई करें, आपको ये जरूर मेंशन करना है कि विच फोर एलिमेंट्स, विच फोर कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स को लेकर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए मैंने इसको सही तरीके से लिख के बताया है, टेकिंग स्मॉल सी, ये देखिए चार जो आपके हैं, स्मॉल सी ए बाई टू ए डी थीटा, इसमें से ए बाई टू और थीटा तो हमारे एंगल्स हैं, और सी स्मॉल सी और ए डी हमारी साइड है। तो आप पहले हम यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये चारों के चारों कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स हैं, जो कि बिना चारों चार कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स के हम कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो लेट अस सी इन द फिगर। तो देखिए अब इधर ये देखिए आप, मैंने पहले इस साइड को लिया, ये साइड जो मेरा पॉइंटर चल रहा है, देखिए ये साइड मेरी है स्मॉल सी, दैट इज साइड। फिर मैंने इसके तुरंत बाद साइड के बाद जो एंगल आया वो आया ए बाई टू, उसको ले लिया। फिर इस एंगल मतलब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मैं यहां से यहां गया तो पहले तो मैं साइड पे चला तो साइड ले ली, फिर मैं एंगल से एनकाउंटर हुआ तो मैंने एंगल ले लिया, फिर मैं इस ट्राइंगल के इधर चला तो मैं वापस साइड पे आ गया, तो ये साइड मेरी है एडी, और फिर जैसे मैं डी पे पहुंचा तो मैं एंगल पे एंगल मुझे मिला तो ये थीटा एंगल है। तो इन दिस वे आई हैव कम अक्रॉस फोर कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स सी कैपिटल ए बाई टू ए बाई टू एंड थीटा। ये चारों कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट लेकर अब मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है क्लियरली, देखिए आप ये ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट के अंदर आप पढ़िए कि मैं क्या लिख रहा हूं कि ए बाई टू एंड ए डी एक्ट एज इंटरनल एंगल, ए बाई टू एंड ए डी, ये गलत लिख दिया मैंने सॉरी, यहां पर होना क्या चाहिए ए बाई टू कॉमा थीटा एक्ट एज इंटरनल एंगल, सॉरी पहले मैंने सही लिखा है, मैंने इंटरनल एंगल और साइड को एक्सप्लेन किया है। तो आप बताइए इन चारों में से इंटरनल एंगल कौन है, दो एंगल है ए बाई टू थीटा, तो निश्चित रूप से ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब जो दो साइड के बीच बन रहा है, कौन सी दो साइड, उन चार में से
चार साइड, चार एलिमेंट्स में से जो आपने दो साइड मानी उनके बीच बनने वाला एंगल, दो साइड यही है इनके बीच बनने वाला एंगल ए बाई टू है, और ये मेरा एंगल हो गया फिर, ये तो हो गया इंटरनल एंगल और ये हो गया इंटरनल साइड, क्योंकि ये दो एंगल्स के बीच बन रही है। सिमिलरली स्मॉल सी मेरा हो गया अदर साइड और थीटा हो गया अदर एंगल, इसको अपन अदर भी बोल सकते हैं, आउटर भी बोल सकते हैं। अब व्हाट इज माय कोसाइन फॉर्मूला, सॉरी व्हाट इज माय कोटेंजेंट फॉर्मूला, माय कोटेंजेंट फॉर्मूला इज, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करके लिखना है इन विच वे, ये मैं आपको पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, देखिए आप फिर से एक बार बता रहा हूं कि कॉस कॉस साइन कॉट माइनस साइन कॉट, पहले तो हमने केवल इसको अपन ने इसका इसका स्ट्रक्चर बोला, कॉस कॉस लेफ्ट में इज इक्वल टू राइट में साइन कॉट माइनस साइन कॉट, ओके ऐसे याद कर लीजिए। फिर यहां पर दोनों कॉस कॉस के अंदर आएंगे इंटरनल इंटरनल, मतलब इंटरनल एक बार एंगल एक बार साइड, फिर यहां पर आएगा साइन कॉट में एक बार आएगा इंटरनल साइड, फिर आएगा आउटर साइड, फिर दूसरे वाले टर्म में आएगा इंटरनल एंगल आउटर एंगल, ठीक है। तो ये तो है मेरा कोटेंजेंट फॉर्मूला याद करने का मेथड। तो इसको जब मैंने यहां पर वैल्यूज पुट की तो यहां पर मुझे पुट करनी है इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल ए बाई टू है, इंटरनल साइड ए डी है, फिर यहां पर इंटरनल साइड आउटर साइड, फिर यहां पर इंटरनल एंगल आउटर एंगल। तो ये जिस तरीके से मैंने इक्वेशन नंबर वन लिखी, किस तरीके से लिखी, मैंने जो ट्रायंगल है मेरा ए बी डी इसमें कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम कार्य सेम वर्क मैं करने जा रहा हूं इन स्फेरिकल ट्रायंगल ओसीडी। देखिए आप सिमिलरली एसीडी ट्रायंगल को लेकर कोटेंजेंट फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो आप बताइए, अब मेरी ध्यान से देखिए आप, अब इन दोनों ट्रायंगल्स जो आपस में एक दूसरे से एडजेसेंट है ना, एबीडी और एसीडी, इनमें एक कॉमननेस क्या हो गई कि जब हम इन दोनों में कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरनल एंगल और इंटरनल साइड मेरी वही रहेगी, क्योंकि अब की बार इस ट्रायंगल में इंटर देखिए मैं एसीडी ट्रायंगल में फोकस कर रहा हूं, तो वापस से एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ये जो मेरा एसीडी ट्रायंगल है इसके अंदर इंटरनल एंगल अब की बार ये वाला है, लेकिन चूंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी a बाई टू ही रहा इंटरनल एंगल, और इंटरनल साइड तो वही है कॉमन, लेकिन अब आउटर साइड हो गई b और आउटर एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो वापस से मैं इसको एक्सप्लेन ना करते हुए सीधे अब अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं, देखिए आप, तो ये आ जाएगा मेरा एक्सेप्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, यह पाई माइनस थीटा हो गया, तो cot पाई माइनस थीटा होता है माइनस cot थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये मेरी आगे इक्वेशन नंबर टू, अब मैंने 1 प्लस 2 को ऐड कर दिया, 1 ऊपर लिखी थी 2 यहां लिखी है, तो इनको जब मैंने ऐड किया तो निश्चित रूप से इन दोनों इक्वेशंस के जो RHS हैं उसकी सेकंड सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएगी। देखिए आप यहां पर 1 में सेकंड टर्म क्या है RHS की, माइनस साइन ए बाई टू cot थीटा, और 2 में क्या है, यही टर्म प्लस की है, तो कैंसिल होकर फिर ये आ गया यहाँ पर साइन ए डी जो फर्स्ट फर्स्ट टर्म थी RHS, इसमें साइन ए डी कॉमन आ गया, अंदर आ गया कॉट बी प्लस कॉट सी, देखिए यहाँ पर, फिर ये साइन ए डी को मैं लेफ्ट में ले गया इट बिकम्स कॉट, और टू को मैं इधर ले गया, तो इन दिस वे मुझे ये जो बात प्रूव करनी थी आई एम नाउ इन ए पोजिशन टू से दैट कि ये बात मेरी प्रूव हो गई। अब आप देखिए इसको, इस लाइन को मेमोराइज करने का एक मेथड है, ये उसी तरह का मेथड है जो मैंने आपको एक इसके पहले एक मीडियन वाला क्वेश्चन करके बताया था, याद है आपको, उस मीडियन वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कॉस साइड वन प्लस कॉस साइड टू इज इक्वल्स टू कॉस साइड थ्री बाई टू यानी हाफ इंटू कॉस मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन। तो ऐसा ही एक तरीका मैंने यहां पर क्रिएट किया है, आपको अच्छा लगेगा आप इसको याद कीजिए, वरना आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए कॉट ब्रैकेट में इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी कि ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, फिलहाल तो हमने एंगल ए के बाइसेक्टर के लिए किया, यही काम आप एंगल बी और सी के बाइसेक्टर अगर होते तो उनके लिए भी आप ये लाइन लिख सकते हैं, मतलब इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा,
इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब किसी भी एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर किसके इक्वल है, इक्वल्स टू सम ऑफ द कॉट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग द एंगल, यानी कि जिस एंगल का आप बाइसेक्टर लिख रहे हैं वो एंगल जिन साइड्स की हेल्प से बन रहा है उनके कॉट का सम। जैसे यहां पर आप देखिए ये जो एंगल है ना हमारा, ये एंगल ए एंगल बी और सी साइड की से बन रहा है, के बिटवीन बन रहा है, तो इन दोनों के कॉट का सम प्लस इनटू सॉरी सेक द एंगल बाय टू, मतलब जिस एंगल को हम इंटरनल बाइसेक्ट कर रहे हैं उस एंगल का हाफ। ओके, तो इन दिस वे आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए फटाफट हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी, और डी इज एनी पॉइंट ऑन दिस आर्क। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, यानी डी इस आर्क पर कहीं भी एक पॉइंट है, सी सी और बी के बिटवीन कहीं भी है, फिर मैंने डी और ए को ग्रेट सर्कल आर्क से ज्वाइन कर दिया, तो फिर मुझे ये लाइन प्रूव करनी है। ये एग्जांपल नंबर 23 है। तो इस क्वेश्चन की जो याद करने की आपको ट्रिक है वो ये है कि आरएचएस में जो आपकी दो टर्म्स आ रही हैं जिन पे कॉस लगा हुआ है और जो मैंने यहाँ पर ऐसे शेडेड कर रखी हैं, इन टर्म्स के लिए आप कोसाइन फॉर्मूला लगाने हैं। तो आप बताइए कॉस ए बी के लिए मैं कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इन द स्फेरिकल ट्रायंगल एबीडी, ठीक है, मैं आपको इसकी समरी बता रहा हूँ बिकॉज पूरा एक्सप्लेन करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एसी के लिए मैं ट्रायंगल कंसीडर करूंगा एसीडी, जस्ट लाइक ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने दो एंगल्स में से एक को थीटा माना था, दूसरा क्या हो गया था पाई माइनस थीटा, तो सेम कंसेप्ट यहां लगेगा। तो देखिए इस ट्रायंगल में चूंकि यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी कॉट की टर्म नहीं है, तो हम कोटेंजेंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, सिंपली वी हैव टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, तो हमको कोसाइन फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो बाकी तो सब देखिए अपने आप समझ में आने वाली बातें हैं। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, कॉस ऑफ ए बी, इधर देखिए आप कॉस ऑफ ए बी, ये लाइन कैसे आई मेरे पास, कॉस ए बी, ये मैंने लिखा भी है कोसाइन फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्रायंगल एबीडी। तो जो हमारा कोसाइन फॉर्मूले की ट्रिक होती है मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कॉस ऑफ एनी वन साइड इक्वल्स टू कॉस ऑफ अनदर टू साइड्स प्लस साइन ऑफ द अनदर टू साइड इनटू कॉस ऑफ द अपोजिट एंगल, सबसे वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने को बताया था, फिर यही कोसाइन फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया एसीडी में, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा कि एंगल मेरा आपकी बार पाई माइनस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो इसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आ गया, ये वाला माइनस साइन, ठीक है आपको। फिर मैंने नीड बेस कार्रवाई की, मतलब मुझे आरएचएस क्रिएट करना है तो मुझे कॉस ए बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन डी सी चाहिए और कॉस ए सी के साथ मल्टीप्लिकेशन में साइन बी डी चाहिए। तो ये काम जैसे ही मैंने वन और टू पे किया और जब मैंने इनको ऐड किया तो आप नोट करेंगे कि आरएचएस की जो सेकंड टर्म है वो आप उसको करके देखिएगा अपने आप, इजी क्वेश्चन है, कैंसिल हो जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म है वो उसमें कॉमन आ जाएगा कॉस ए डी और ब्रैकेट में ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब बी केयरफुल कि ये जो एक्सप्रेशन मेरी बन रही है इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मूला, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला विच फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस को मैंने अगर जहां अप्लाई किया तो ये देखिए साइन ए प्लस बी बन गया, साइन ए प्लस बी, इसमें मैंने इसको DC को CD और BD को DB लिख दिया, ये मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ऐसा करने से CD plus DB, आप फिगर में देखिए CD plus DB, ये देखिए CD plus DB बन गया CB, और CB को फिर मैंने इन लास्ट में लिख दिया BC, ये जिस तरह से अरेंज करना है उस तरह से कर दिया और ये मेरा RHS आ गया। तो इन दिस वे ये तो देखिए LHS है और ये मेरा RHS हो गया। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एग्जांपल 20 से 26 तक के आज करवा रहा हूँ, तो हालांकि मैंने आपको इसमें दो ही एग्जांपल करवाए हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको इसी 20 से 26 के बीच में एक और करवाऊंगा। ये वीडियो चूंकि लंबा हो गया है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पर आप इसको अब तक अगर आपने क्वेश्चन बहुत केयरफुली ढंग से समझ के किए हैं तो आप आई होप कि आप आगे से आगे खुद बाई खुद क्वेश्चन करने में आप क्वेश्चन कर पाएंगे और यू विल गेट
like lot of interest in doing in solving such questions. तो आप देखिए 1-2 लेकर 1 से लेकर 30 तक के तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन करने ही हैं, और ये और बात है कि मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं में पूछा जाते हैं, हालांकि क्वेश्चन तो आपके बहुत आगे तक है, पर 30 के बाद जो क्वेश्चन है उसमें हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बता दूंगा कि कौन कौन से हमको करने हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.